ओए दोस्तों, गैरी मॉड की वीडियो में आप सभी का एक और बार से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ इन तीन डेफ गॉड के बारे में। दोस्तों, मैंने तो सुना है ये तीनों गॉड अगर मिलके फाइट कर लेना तो दोस्तों सामने वाली टीम की पतलून गीली हो जाती है। क्या बात कर रहे भैया? हाँ मुन्ना, मैं जो बात करता हूँ एकदम सही बात करता हूँ, और मुन्ना मैं एकदम मुद्दे की ही बात करता हूँ। ए भैया, क्या बात कर रहे हो, आज तीनों गॉड आए हैं? हाँ मुन्ना, टीवी गॉड, डेफ गॉड, और ये कोई गॉड नहीं, ये सिर्फ डेफ हो गए। बाप रे भैया, लेकिन अगर तीनों मिलके फाइट करेंगे तब तो भैया कोई चांस नहीं बनता सामने वाली टीम का। ना मुन्ना ना, मैंने जहां तक सुना है चांस तो बनता नहीं है वैसे। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को तो पता है ना, हम लोग काफी चैलेंजिंग बंदे हैं, तो दोस्तों चैलेंज तो देना बनता है इन तीनों गॉड को। और दोस्तों, इसीलिए मैंने और ऑगी ने डिसाइड किया है। एक मिनट भैया, मैंने कुछ नहीं डिसाइड किया। ओए, तूने डिसाइड कर लिया है क्योंकि मैंने जो डिसाइड कर लिया है। अरे यार भैया, गलत बात है, कोई गलत बात नहीं, दिमाग मत खराब कर। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे या तो ऑगी की टीम लड़ेगी इन तीनों से या तो मेरी टीम, तो मुन्ना डिसाइड कर ले। ठीक है भैया, सबसे पहले मैं अपनी टीम लाता हूँ। हाँ यही ना बात, चल मुन्ना सबसे तगड़े तगड़े जितने भी बंदे हैं ये ग्राउंड में भर दे ताकि इनकी बैंड बजा दे हम लोग। ओके चलो गाइस, हम लोग ट्राई करते हैं क्या इन तीनों गॉड्स को हरा पाते हैं कि नहीं। क्योंकि गाइस ये तीनों डेव गॉड्स हैं और गाइस मैंने सुना इनको कोई हरा नहीं सकता है। लेकिन गाइस, आज हम लोग डिसाइड कर लिया है कि इन तीनों को हराया जाएगा, तो मैं अपनी टीम तैयार करने जा रहा हूँ। भैया ये है एसिड मास्क। पता है, इंट्रोडक्शन देने किसी की जरूरत नहीं है। अरे यार फिर भैया, इंट्रोडक्शन एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ना? कोई पार्ट नहीं होता है, तू बुला। ये मुन्ना इतने बड़े बड़े हैं, काम तो किसी के है नहीं है, इसीलिए तुझे मेन मेन को बुलाना चाहिए था। नहीं भैया, आज पूरी स्किबिडी फैमिली आएगी, आपको कोई दिक्कत है क्या? ना ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बुला बुला जिसे बुलाना हो। काम रहेगा दोस्तों, ये तो चांद है ऑगी का, इसके बिना ऑगी की कोई टीम जीत ही नहीं सकती है। ऐसा मत बोलो भैया, उसने कई लोगों को हराया है। वही तो बोल रहा हूँ, कई लोग को हराया है, सिर्फ एक ही लोग है दोस्तों ऑगी की टीम में जो यही है कैपेबल दोस्तों मेरी टीम को हराने के लिए। नहीं दोस्तों, मुझे नहीं लगता इन पिद्दियों में से कोई टिक भी पाएगा। ए भैया ज्यादा मत बोलो। ओए ज्यादा ही तो मैं बोलता हूँ ना। हाँ ठीक है बोलो फिर, बच्चर बच्चर करो। और क्या बच्चर बच्चर क्या होता है, चल टीम बुला फटाक से। इन तीनों गॉड्स को हराना नहीं है क्या? हराना है भैया, हराना है, इतनी भयानक तरीके से हराना है कि दोबारा कभी आए ना। वैसे दोस्तों, इसमें देखा जाए तो सिर्फ एक ही गॉड मोस्ट ओवर पावर्ड जिसे बोल सकते हैं, तो वो बीच वाला ही है जो कि है डेफ गॉड। बाकी दो तो ठीक है, वैसे ठीक नहीं है भैया, वो भी अल्ट्रा लेजिट है। ओए हाँ ठीक है, कोई भी लेजिट हो, तू बुला अपनी टीम पहले। अरे ये पिद्दी कहाँ बुला लिया इसको? ए भैया पावरफुल है, पिद्दी मत बोलो। ठीक है, मुझे क्या फर्क पड़ता है दोस्तों। किसे भी बुलाइए। ओके गाइस, मैं टीम तैयार कर रहा हूँ, देखते हैं इन डेफ गॉड को हरा सकते हैं कि नहीं। एक मैं हिप्नोसिस वाला बुला लेता हूँ ताकि गॉड के ऊपर कोई तो हिप्नोसिस करे ना। हिप्नोसिस मुन्ना, ये खुद हिप्नोटाइज हो जाएंगे, तू देखते जाइयो। भैया मुझे नहीं लगता। ओए तुझे लगना चाहिए, आज तू बहुत बुरे तरीके से हारने वाला है बन्ना, ये तो गारंटी है। MK6 वगैरह को बुला ले, वो तो काम के हैं, ये पिद्दी तो एक एक बार में यहाँ पे निपटाए जाएंगे। ये भैया पूरा घेरा बना लिया देखो मैंने। हाँ घेरा तो तूने बढ़िया बनाया है, देखते हैं इन घेरे का कोई फायदा होता भी है कि नहीं। ओए होगा भैया, होगा, डेफिनेटली फायदा होगा। ठीक है, अगर तुझे ऐसा लगता है तो ठीक है मुन्ना, एज योर वेस, तुझे जो बुलाना हो बुला ले। ओके आई ठीक से भैया, इतनी टीम सही रहेगी? अरे ना ना, ये तो सिर्फ एक झटके की है, एक वेव में खत्म भी हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा तेरा वो एस्ट्रो डिनर बच जाएगा। तो ऐसी बात है कि और बुला लेता हूँ तब तो। हाँ जितने मर्जी उतने बुला ले मुन्ना, क्योंकि आज ये बैटल इम्तिहान की घड़ी होने वाली है। इम्तिहान की घड़ी? हाँ हाँ मुन्ना सब समझ ले तू। ओके तब तो गाइस मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा और जितने भी बुला सकता हूँ उतने बुलाऊंगा। ए भैया दूसरे वर्ल्ड से बुला लूँ क्या? ओए हाँ कोई भी वर्ल्ड का हो मुन्ना, आज ही बुला ले। ओके एक इधर खड़ा कर देता हूँ। अरे ये कहाँ से आ गया गाइस, इसको नहीं बुलाएंगे, पॉइंट्स बेकार है। अरे बुला लेना चाहिए था, कम से कम कुछ तो काम आता। माइकल जैक्सन किससे अच्छा बुलाता हूँ, माइकल जैक्सन। अरे ये तो पेट जाएगा इसको, तो मैंने खोद ही दोस्त अपने किसका TRI से पेट दिया था इसको मैंने। ए भैया ज्यादा उड़ो बताओ। मैं मुन्ना उड़ता ही तो नहीं हूँ, मेरी यही तो बात है। अच्छी बात है। ओके ये देखो भैया, साइंटिस्ट V2 भी आ चुका है। कोई भी K2 V2 आए मुन्ना सब पिटने वाले हैं, क्योंकि गॉड्स इकट्ठा हो चुके हैं। अरे कितना भी इकट्ठा हो जाए भैया, और जिनसे जीत नहीं पाए, क्योंकि भैया ये है बहुत ही पावरफुल लोग।
पावरफुल मेरा कद्दू क्या पावरफुल है, और इसको बुला ले वो सोल्जर वो जो भाग जाता है। ए, भागने वाले सोल्जर कोई नहीं है ये देखो। अच्छा ये खोपड़ी, अरे दोस्तों ये तो मैं चाहता हूँ ये पहले उड़ाया जाए। भैया देखो क्या टीम तैयार हुई है। ओए टीम तैयार नहीं हुई मुन्ना, अभी टीम में सिर्फ एक ही बंदा बचेगा, क्या पता कोई भी ना बचे। देखते हैं भैया कोई बचता है। गाइस मैं किसी और को बुला सकता हूँ क्या? एक सेकंड में देख लेता हूँ। ओके इधर भी बहुत सारे हैं भैया, बहुत सारे हैं तो बुला ले। ए भैया ले मैं चेक यार। ये देखो गाइस यहाँ पे जी मैन यूपीजी तो बैठे हुए है। ओ अच्छा ये भी बच्चे थे क्या? बुला ले बुला ले, यूपीजी चीपीजी कोई भी बुला। ज्यादा नहीं बोलो, ओए मैं तो ज्यादा बोलते नहीं है तो मेरी खासियत है दोस्तों, पूरा घेरा बना दी है ओगी ने, पता नहीं जीत पाएगा नहीं बेचारा। ओके भैया डन मेरा तो। ओए वो देख फंस गया, उसको निकालो वहां से। ओह ए इधर आ। अरे यार चलो भैया क्या ही फर्क पड़ता है, हमला जब होगा ना तब सबके ऊपर होगा वो। हाँ ये बात तो है। तो दोस्तों आगे की स्किबिडी टीम यहाँ पे तीन गॉड से लड़ने जा रही है, सबसे नंबर वन पे है। कितना इंट्रोडक्शन करोगे भैया, ओए समझा लेंदे। टीवी डेफोग डेफो गॉड, और दोस्तों ये नॉर्मल डेफोग है, ये पहले ही हारेगा मुझे लगता है। दोस्तों गॉड वर्सेस स्किबिडी टॉयलेट के बीच में फाइट होने जा रही है, इसके बाद मेरी टीम आएगी डेफिनेटली। तो दोस्तों तैयार हो जाइए एक बहुत ही महा बैटल के लिए। गाइस ये महायुद्ध है, इस युद्ध में विजय देखते हैं किसकी होती है। सो गाइस 3, 2, 1 दोस्त गेम लैग होगा समझ लेना अपना। तो दोस्तों 3, 2, 1, 1, 2 का 3 लेट्स बिगिन। बाप रे डीजे उजे बज गया भैया, डीजे बज भी गया था, डीजे खत्म भी हो गया। अरे बाप रे दोस्तों कौन मारा कौन नहीं मारा समझ नहीं आया। ओए गॉड्स कहाँ पे है? पता नहीं भैया किधर है, किधर है भैया? ओए रुक जा देखना पड़ेगा मुन्ना, बाप रे बिखर गए ये लोग तो। अरे बाप रे ये कौन है? टीवी डेफ गॉड तो दोस्तों यहाँ पड़ा हुआ है। अरे ये कौन सा गॉड है, ये तो डेवुक लगता है। दोस्तों आई थिंक सो एक गॉड गायब है, और वो उस गॉड का नाम मुझे पता है, वो होगा डेफुक गॉड। किधर वो? वही तो ढूंढ रहा हूँ मुन्ना किधर हो सकता है, ये कौन पड़ा है? अरे ये तो पिद्दी है। किधर गया भैया, उस गॉड को ढूंढ रहा हूँ। ओए ढूंढ ही रहा हूँ, दिमाग मत खराब कर। किधर हो सकता है? दोस्तों मुझे लगता है कहीं वो चला गया है, और उसका बुलाने का एक ही तरीका है। कौन सा तरीका भैया? कोई सिक्योरिटी गार्ड को बुला दे आ जाएगा। भैया नहीं आए तो? ओए नहीं आए तो समझ लेना मुन्ना तीनों गॉड यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। ओके एज अ बेस। ए भैया ये किसी को ढूंढ तो सेंस तो कर लेगा ना, अगर कोई गॉड आसपास होगा तो जरूर सेंस कर लेगा। Hey guys, वो आखिरी गॉड किधर हो सकता है यार, पता लगाना पड़ेगा। ओए मुन्ना मुझे लगता है वो पूरी टीम को खत्म करके खुद भी खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता भैया, ऐसा ही हो चुका है। ओए इस पिद्दी को हटाइए, किसी काम का नहीं है। ओके गाइस अभी कैसे पता लगा है? ए गाइस सब लोग रिसर्च करनी पड़ेगी। आओ ओए दोस्तों यहाँ पे पूरे शहर में ढूंढ लिया, लेकिन दोस्तों वो आखिरी गॉड कहीं मिला नहीं, और जिसने भी इस पिद्दी ने भी सेंस कर नहीं पाया कि कौन सा गॉड कहाँ पे है। दोस्तों हम लोग एक तकनीक अपनाने वाले हैं, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में 3 गॉड स्पॉन किए थे, देखते हैं डी स्पॉन करके अगर इन तीनों में से पहला अगर दोस्तों गॉड वही होता है तब तो सही है। चल बुढ़ना स्टार्ट हो जा। 1, 1, 1 अरे ये तो फ्लाइंग कोई भैया ये हुआ है। अरे इसी को गायब होना था। हाँ भैया यही गायब हुआ है। चलो गाइस एक एक करके सबको गायब करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके दोस्तों अभी पता चलने वाला है, लेट्स गो। ये डेफुग गॉड, ए भैया डेफुग गॉड तो यही है। क्या मतलब है? डेफुग, हे भैया डेफुग नहीं दिखा? एक ही दोस्त तो नहीं दिखा है, और वो पता नहीं किधर था। मिस्ट्री ही रह गई दोस्तों, क्या लगता है वो जिंदा रहा होगा कि नहीं? होए आप लोग कमेंट करके बताओ। चलो दोस्तों अभी मेरी टीम की बारी, मुन्ना लेके आ उन तीनों गॉड को। तो गाइस खतरनाक मिस्ट्री के साथ पहला राउंड ओवर होता हुआ, तो गाइस पहले राउंड में पता नहीं कौन विनर निकला कौन नहीं निकला, मुझे खुद ही पता नहीं चल पाया। दोस्तों बहुत बड़े बड़े धुरंधर आए थे लेकिन सारे हार गए, और यहाँ तक कि गॉड्स भी डाउन कर दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों पता नहीं वो बैटल आगे जीता कि गॉड्स जीते ये नहीं पता। अभी दोस्तों यहाँ पे मेरी स्किबिडी टीम आने वाली है। एक मिनट, मेरी तो स्किबिडी टीम है ही नहीं है। नहीं भैया आपको स्किबिडी टीम में आना है तो ठीक है। हैंड ओवर कर दो अपने कैमरामैन को, चुप कर। दोस्तों अब मैं अपनी कैमरामैन और टीवी मैन की टीम बुलाने वाला हूँ। नंबर वन पे आएगा टीवी मैन अल्ट्रा एजेंट, पता नहीं कुछ भी बोलो दोस्तों, नाम लेने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओके भैया लगता है आप टाइम के बहुत ही ज्यादा पाबंद रहते हो यार। ओए वो तो मैं रहता ही मुन्ना, बिकॉज टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। ओके चलो भैया अभी नेक्स्ट कौन बुलाओगे? ओए अभी मैं बुलाऊंगा, कौन सा बुलाता हूँ? हाँ कैमरा मैन तो बच गया था। किधर गया? अरे बाप रे उड़ के आ रहा है, कहाँ चला गया? अरे नूबड़े इधर आ, फ्लाइंग विंग जेट बाद में बनना,
फ्लाइंग जेट बन रहा था दोस्तों ये, रुक जाए इधर आ, इधर आ हथौड़े। ओके भैया, लगता है गाइस भैया यहाँ पे सिर्फ बीस्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। हाँ मुंडा, मुझे तेरे जैसे पेदियों को बुलाने की जरूरत नहीं है। ओके भैया जल्दी जल्दी टाइटन्स को बुलाओ। ओए बुला रहा हूँ, ठंड रख ले दोस्तों। ये है आर्मर टाइटन, और उसके बाद कौन सा टाइटन आएगा? हाँ उसके बाद आएगा कैमरामैन टाइटन। बाप रे, कितने बुलाओगे भैया? ओए मैं जितने बुला सकूं तुझसे क्या। उसके बाद दोस्तों TRI अल्ट्रा टाइटन के पास है स्वॉर्ड, वो भी डेमोनिक स्वॉर्ड। बाप रे क्या बात है भैया। उसके बाद दोस्तों मैं बुलाना चाहूंगा सिनेमा टाइटन को। अरे बाप रे मुन्नू, मेरे पास वैसे टाइटन्स की कमी नहीं है। उसके बाद दोस्तों स्पीकर मैन अपग्रेडेड टाइटन। अरे बाप रे, और भी कोई बचा हुआ है क्या? ओए मुन्ना, अभी तो ये मेरी सीरीज स्टार्ट हुई है। हाँ ये बात भी है। बुलाओ बुलाओ भैया, अच्छी बात है। ओए तुझे कोई दिक्कत है क्या? ना ना मुझे क्या दिक्कत होगी। उसके बाद दोस्तों ड्रिलमैन टाइटन गया दोस्तों, जमीन के नीचे से उखाड़ कर आता है जमीन को। और भी कोई है भैया? उसके बाद दोस्तों आएगा स्पीकर मैन डार्क। और मुन्ना तीन बीस को तो भूल ही गया। टीवी मैन अपग्रेडेड दोस्तों ये रहा। और उसके बाद रुक जा दोस्तों, थोड़ा सा मैच हो रहा है, हम लोग पीछे स्पॉन करते हैं, मजा आएगा। ये है दोस्तों टीवी मैन अपग्रेडेड। अरे ये क्या सर पे चढ़ गया लोग। ओए नूबड़े पीछे चल। दोस्तों वो रहा टीवी मैन अपग्रेडेड, और मैं बुलाऊंगा इधर स्पीकर मैन अपग्रेडेड को। ओके क्या बात है, क्या टीम है भैया? ओए टीम तो अभी तैयार होना स्टार्ट हुई है मुन्ना। तो ये बात है क्या? तो भैया उसको भी बुला लो। हाँ हाँ बुला रहा हूँ, बारी बारी करके बुलाऊंगा। ये है कैमरा मैन अपग्रेडेड। बाप रे दोस्तों मेरी टीम क्या बेस्ट टीम है। ओए और भी कोई बचा है भैया? हाँ मुन्ना एक तो बच ही गया, वो थोड़ा सा कैमरामैन टीम में रह गया था। थोड़ा सा रह गया था, पूरा तो नहीं रहा। ओए चुप कर, कहाँ गया? हाँ दोस्तों पीसी मैन को तो हम लोग लिटरली भूल ही गए थे। दोस्तों पीसी मैन अपनी फैमिली का इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो इसको यहाँ रखेंगे। चलो दोस्तों अब मेरी भी फैमिली तैयार हो गई है इन तीनों गॉड से लड़ने के लिए। ओए बच्चे भी है कि नहीं? हाँ तो दोस्तों एक बार फिर से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ इन गॉड्स को। ये है टीवी डेफुग, ये है डेफुग गॉड, और दोस्तों ये है डेफुग। पिछली बार ये बच गया था या मर गया था वो मुझे नहीं पता। ओके गाइस ये बैटल बहुत इंटेंस होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे कैमरामैन, स्पीकर मैन, टीवी मैन, और यहाँ तक कि उनके अपग्रेडेड फॉर्म्स भी आ चुके हैं। पता नहीं भैया जीत पाते कि नहीं। डेफिनेटली दोस्तों मैं ही जीतूंगा, कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि इसमें दोस्तों पावरफुल बीस्ट आए हैं बीस्ट। ओके तो गाइस चलो यहाँ पे 3-2-1 करके बैटल को स्टार्ट किया जाए, और देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। क्यों भैया? वही बिल्कुल मुन्ना, क्यों नहीं, शौक से। ओके तो गाइस गेम लैग करेगा और बहुत सारे मॉन्स्टर एक साथ मरने वाले हैं। 3-2-1 एंड बूम। अरे बाप रे, कौन हारा कौन जीता समझ नहीं आया लगता है दोस्तों। अरे बाप रे ये क्या मुन्ना, टीवी डेफ हो गई है तो। भैया इनको क्या कर दिया गया है? ओए इसको हटाना पड़ेगा उस नूबड़े को। कौन सा नूबड़ा? ओए ये क्या, ये आपस में क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि भैया किसी की तो पावर यूज हुई है, और वो टाइटन है ये। ओए ये तेरी तो, इसको दोस्तों मैं छोड़ के आता हूँ, रुक जाओ। हाँ तेरी तो, चाली जा रहा तू पावर बहुत यूज करता, फालतू का दोस्तों पावर यूज कर देता ये। ए यार ऐसे पिद्दी को बुलाते क्यों हो? और ये पिद्दी नहीं है मुन्ना, ये एक्चुअली में अल्ट्रा पिद्दी है दोस्तों। इसके लिए मैं यहाँ पे गोल्डन क्रोबार निकालना चाहूंगा। चल निकाल यहाँ से। हाँ अब बैटल होगी। भैया बैटल पता नहीं ये लोग कर भी रहे कि नहीं कर रहे, पता नहीं दोस्तों इन गॉड्स को क्या हो गया, लालम लाल हो गए। ओए पगलो क्या हो गया तुम लोग को? मुन्ना नए गॉड्स बुलाने पड़ेंगे, जल्दी बुलाओ। फिर क्या कर रहे हो? ओए हाँ दोस्तों कुछ काम ही नहीं किया। चलो दोस्तों नए गॉड्स को बुलाएंगे और एक साथ पिटवाएंगे। मुन्ना दोस्तों बैटल अभी थोड़ी देर के लिए स्थगित कर दी गई है, क्योंकि नए गॉड्स आ रहे हैं तो फिर उनका स्वागत करना चाहिए। ओके गाइस नए गॉड भैया जल्दी जल्दी बुला रहे हैं, क्योंकि उन गॉड्स पे पता नहीं कौन सा वायरस छोड़ दिया गया। चलो भैया रेडी है? हाँ हाँ रेडी है बिल्कुल। चलो दोस्तों 3-2-1 बिगिन। अरे ये क्या दोस्तों, बहुत तगड़ी बैटल हुई, और यहाँ पे सब कोई खत्म कर दिया गया सिर्फ एक पिद्दी के अलावा। ये कैसे बच गया? 1-2-3 गाइस तीनों का यहाँ पे गेम ओवर हो चुका है, लेकिन भैया का सिर्फ एक ही बंदा बचा है, जो कि है ये कौन है भैया? ओए ये टीवी मैन है मुन्ना। ओके टीवी मैन, ये भी गाइस हवे में लटक रहा है, इसका भी पता नहीं सौकों को लग गया क्या भैया? मुझे तो ये लगता है दोस्तों ये मरा कि नहीं, ये मुझे कैसे पता करूं मैं? आप लोग कमेंट करके बताओ ये मर गया कि जिंदा है। वैसे जिंदा लग रहा है।
पता नहीं भैया चले जा रहा है, लेकिन गाइस तीनों गॉड और इधर के गॉड सब कोई डाउन कर दिए गए हैं यहाँ पे भैया की कैमरामैन टीम द्वारा। क्या बात है भैया, मतलब गॉड से भी कोई पावरफुल होता है तो भैया की टीम है और मेरी टीम है। हे, ओए तेरी टीम कहाँ है, तेरे का तो सबूत भी नहीं मिला। ए भैया आपको कैसे पता कि भैया वो गॉड नहीं मरा होगा? ओए नहीं मरा होगा मुन्ना, तभी तो तेरी टीम पूरी वाइप आउट कर दी गई थी। यार जाओ रहा भैया, गाइस आप लोग कॉमेंट करके बताओ कि मेरी टीम जीती थी कि नहीं, क्योंकि गाइस आखिरी डेफुक मिला नहीं था और वो डेफुक गॉड भी नहीं था भैया, नॉर्मल डेफुक था। ओए चल चल क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन दोस्तों मेरा तो सबूत है सामने, ये देखो कैमरामैन मतलब टीवी मैन जिंदा भी है सामने। उसको कैमरामैन बोल दो भैया। ओए चुप कर। लेकिन भैया ये भी तो नहीं पता ये जिंदा है कि मरा हुआ है, क्योंकि देखो भैया कुछ रिएक्ट कर नहीं रहा, चल भी नहीं रहा, जमीन में हवा में लटक रहा है। ये कौन सी भैया विनिंग हुई? चुप कर, सामने आंखों के दिख रहे, बहुत मारूंगा तुझे मैं। अरे यार गाइस आप लोग बताओ, इसका निर्णय मैं आप लोग के पे छोड़ता हूँ। हाँ दोस्तों हम लोग आप ही के ऊपर छोड़ेंगे, बताओ कमेंट में कौन जीता कौन हारा। और बाकी गाइस दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, और वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी दोस्तों वी विल सी द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। बाय बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।